हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम पहले अपन समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस भी देखेंगे प्रैक्टिकल केसेस में। तो चलिए काम शुरू करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए आपके पास, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया है हमने मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस मोमेंट, फोर्स का मोमेंट कैसे निकालते थे अपन? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होता था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। मोमेंट कैसे निकालते थे? मोमेंट में तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती थी फोर्स, या यहां पे मोमेंटम है, उसका लाइन ऑफ एक्शन और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी एक्सिस से, टॉर्क के टाइम पढ़ा था हमने। अब आइए जरा ध्यान दें, सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन में बताता हूं आपको। जिसे मान लें कि एक पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मूव करिए, पार्टिकल का मास है एम, तो पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो गया भाई? P इज इक्वल टू एम वी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अब पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे याद करें मैं बहुत पहले एक वीडियो सर्कुलर मोशन में वीडियो डाला था मैंने, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि एंगुलर वेलोसिटी हम लिनियर मोशन में भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो ये व्हीकल आ रही, कोई कार आ रही है दूर से आ रही है, तो ऐसे देख रहे होंगे आप, और यहां से गुजरती है तो हमारा चेहरा भी ऐसे घूमता जाता है इसके साथ, तो ये है तो अपने हिसाब से स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन हम जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमें दिखता है ये कि रोटेशनल मोशन में है ये, तो रोटेशनल इफेक्ट हो सकता है लिनियर मोशन में भी। ये डिपेंड करेगा कौन से पॉइंट से आप एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि देखें जरा, मान लो ये कोई पॉइंट है फिक्स, पॉइंट ओ, ओरिजिन जो भी बोले, जब ये पार्टिकल यहां पे होगी तो ये इधर देख रहा होगा, जैसे जैसे ये पार्टिकल ट्रेवल करके जाएगी इसका फेस ऐसा ट्रेवल होता जाएगा, है ना, तो रोटेशनल इफेक्ट है यहां पे, जो मैंने आपको एंगुलर एक वीडियो बनाया था, इसमें सर्कुलर मोशन में है, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं, हाउ टू डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी, इसमें ऐसे केस मैंने खूब डिस्कस करे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, यहां से इस पॉइंट से जब ये पार्टिकल यहां पे है, उस वक्त मान लें ये है पोजीशन वेक्टर आर, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करा हमने? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन लीनियर मोमेंटम का, और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से। मोमेंट निकालने के लिए क्या लेते हैं अपन? फिक्स पॉइंट से या एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क में भी यही करा था, एंगुलर मोमेंटम में भी यही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसको मैं बढ़ाऊं थोड़ा सा आगे, तो जो पोजीशन वेक्टर है ये, और ये मोमेंटम का वेक्टर ये, इसके बीच में एंगल है फॉर एग्जाम्पल मान लो थीटा, तो ऑल्टरनेट से ये भी हो गया एंगल थीटा, क्लियर है पॉइंट? ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं ना अपन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अपन हाई पढ़े थोड़ी बड़ी चीजें या तो आप वाकिफ हैं इससे, मैं इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता, ये थीटा यहां से यहां तक आर, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, क्लियर है पॉइंट? ही समझ में आ रही बात आपको, ये है ना, ये परपेंडिकुलर निकास हाइपोटेनस मालूम है, ये एंगल थीटा मालूम है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम इसका जो नोटेशन है, यूजुअली जो किताबों में मिलेगा वो है एल, जैसे मोमेंटम का पी था, लिनियर मोमेंटम का पी था, एंगुलर मोमेंटम का एल। तो क्या पढ़ा हमने कि मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कैसे किया हमने? मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो लिनियर मोमेंटम तो हो गया एम वी, और मोमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं अपन फिक्स पॉइंट से या एक्सिस से, तो हो गया आर साइन थीटा। मास एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है? मोमेंटम। अभी मैग्नीट्यूड वाइज देखना, डायरेक्शन की बात करेंगे अपन, तो एल इज इक्वल टू मिल गया यहां से पी आर, एम वी की जगह पी आर साइन थीटा,
ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो हमने डिफाइन किया है लिनियर मोमेंटम से, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब आइए जरा डायरेक्शन की बात करते हैं। हम वेक्टर की नजरिए से सोचें तो पी आर साइन थीटा जो है वो आर क्रॉस पी का भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, या फिर पी क्रॉस आर का भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी। अब हमें ये चीज मालूम करनी है यहां पे कि एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर। अब जरा ध्यान दें, ये है पोजिशन वेक्टर, ये है पोजिशन वेक्टर, और ये है आपका लीनियर मोमेंटम, है ना। हमें देखने आप जरा ये जरा देखो कि यहां पे जो मोमेंट है, यहां पे जो बॉडी है, इसका ट्रांसलेशन, इसका मोशन कैसा हो रहा है। ये अगर देखें तो पहले यहां 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 इस तरीके से, तो ये मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। आप देखें मोमेंटम यहां से पार्टिकल, ये जो पोजिशन वैक्टर है ये कैसे मूव कर रहा है। अगर ये पार्टिकल ऐसी यहां पे होती, ध्यान से देखना जरा समझना, अगर ये पार्टिकल यहां पे होती तो पोजिशन वेक्टर होता है ऐसा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल यहां पे होती तो पोजिशन वेक्टर होता आपका, अगर यहां पे होती तो पोजिशन वेक्टर होता ऐसा। तो पोजिशन वेक्टर जो है इसका मूवमेंट कैसा है देख लो आप, ये कैसा मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, मतलब एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज। अब आप जरा देखें, ये है आर वेक्टर, ये है पी वेक्टर, है ना। तो ये आर, ये मार्कर ऊपर वाला आर पोजिशन वेक्टर के डायरेक्शन में, ये मोमेंटम के डायरेक्शन में। पी क्रॉस आर करेंगे तो थंब आएगा बाहर, तो बाहर का डायरेक्शन किसके लिए होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये रोटेशनली सर्कुलर मोशन की चीजें मैं बता चुका हूं। अगर इस तरह की कंफ्यूजन है आपको तो मेरे सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ये पोजिशन वैक्टर की जो मूवमेंट है ये है क्लॉक वाइज, तो एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज में डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ, अगर बॉडी क्लॉक वाइज मूव करेगी तो सारे एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं एक्सिस के अंदर, है ना। अब जरा देखो पोजिशन वेक्टर की मूवमेंट है क्लॉक वाइज, ये आर ये पी, तो अगर एंगुलर मोमेंटम पी क्रॉस आर, ये पी है और ये आर है, पी क्रॉस आर होगा तो डायरेक्शन होनी चाहिए बाहर की तरफ। बाहर डायरेक्शन कब मिलता है, एंटी क्लॉक वाइज मोशन में, जबकि यहां पर मोशन ऐसा दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज, इसलिए ये होना चाहिए आर क्रॉस, ध्यान दो ये आर ये पी, आर क्रॉस पी, ये अंदर की तरफ। इतनी बातें जो मैंने आपको जबानी समझाई हैं, इसको एक शब्द में लिखूंगा मैं, फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कैसे सोचा मैंने, क्योंकि पोजिशन वेक्टर ही क्लॉकवाइज घूम रहा है यहां से, और जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर क्रॉस पी होना चाहिए, आर क्रॉस पी करेंगे तो अंदर, पी क्रॉस आर करेंगे तो बाहर, बाहर नहीं, ये क्लॉकवाइज है तो अंदर ही होना चाहिए। तो अब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये आपके पास पी आर साइन थीटा एम वी आर साइन थीटा जो आप चाहे, और वेक्टर फॉर्मेट की भी जरूरत पड़ती है तो वो रहा आर क्रॉस पी। जल्दी से वीडियो पॉज करके बेसिक फॉर्मेट बेसिक डेफिनेशन नोट करके हम चीजों को बढ़ाते हुए, बहुत सी कहानी इसकी है जो करनी है अभी हमें। अब आइए अब मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के अगले केस की बात करते हैं। अभी जो एंगुलर मोमेंटम देखा हमने वहां पर बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में थी, अब हमारे सामने एक बॉडी है जो प्योर रोटेशन मोशन में है। मान ले आर्बिट्री कोई सी भी बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट, ये रही एक्सिस जो मैंने क्रॉस साइन बनाया है यहां पे, इस एक्सिस के अबाउट ही बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जितने भी पॉइंट्स होंगे सिस्टम के अंदर, इन सारे पॉइंट्स एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, है ना। अब जरा ध्यान देना, जैसे मान ले यहां से आर वन डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसकी मास है एम वन, तो ये पार्टिकल क्या करती है नजर आएगी आपको, सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर, जब ये बॉल पूरी बॉडी घूमेगी जब ये, तो लगेगा ये पार्टिकल इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एक्सिस का डिस्टेंस आर वन है, तो इसकी लिनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वन इज इक्वल टू ओमेगा आर वन, ठीक है। वैसे मान ले यहां से एक और पार्टिकल, बहुत से दो तीन पार्टिकल ले लो, जैसे मान लो यहां पर एक पार्टिकल है
एम टू एक्सिस से आर टू डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर टू। एक पार्टिकल यहां मान लें, ये एम टू मास का पार्टिकल मान लो, ये एम टू लिखा है मैंने, यहां पे मान लीजिए एम थ्री मास की पार्टिकल है जो एक्सिस से है ये आर थ्री डिस्टेंस पे, तो इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी थ्री इज इक्वल टू ओमेगा आर थ्री। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर, मैंने जस्ट तीन पार्टिकल्स हाईलाइट करे हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको। अब आइए एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अपन रोटेटिंग बॉडी के लिए। ध्यान दो, पहले पार्टिकल की बात करें, पहले पार्टिकल की बात करें तो लीनियर मोमेंटम किधर होगा, इधर ही, जिधर लीनियर वेलोसिटी है टेंजेंशियल, और ये है पोजीशन वेक्टर, है ना, ये है पोजीशन वेक्टर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों के बीच क्या था फॉर्मूला, एम वी आर साइन थीटा, ये था ना फॉर्मूला। तो क्या लिख सकते हैं, आर वन और वी वन के बीच में कितने का एंगल है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी वन लीनियर मोमेंटम आर वन साइन 90। कैसा, किस डायरेक्शन में, बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ऐसे भी आप वेक्टर फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, ये है आर वन, ये बढ़ाओ के वेक्टर का डायरेक्शन थी आर वन, और इधर लीनियर मोमेंटम आर वन क्रॉस पी, ये अंदर की तरफ, तो वो आना ही था, बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मोमेंटम भी एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज ही मिलेगा। सेकंड बॉडी की बात करें तो यहां भी ये पोजिशन वेक्टर आर टू, और ये तो डायरेक्शन क्या होगा इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का, अंडरस्टूड है कि पूरी सिस्टम अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा, लेकिन आप इसे कंफर्म कर सकते हैं वेक्टर एनालिसिस से भी, बिगिनर है अगर, इसलिए मैं डिटेल में बात चर्चा कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा बहुत पहले पढ़ाया थी, बहुत छोटी बातें हैं आपके लिए। आर टू वेक्टर ये और ये मोमेंटम आर, इधर वेलोसिटी इधर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी ये भी अंदर की तरफ, तो अंदर ही की तरफ ऐड कर दें, एम वी आर साइन थीटा होता है एम वी टू आर टू एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली थर्ड पार्टिकल के लिए सब तो क्लॉकवाइज ही है, आपको दो में समझ में आ गए, ये भी वही है, तो थर्ड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, एम थ्री वी थ्री आर थ्री साइन 90। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल होंगे सिस्टम के अंदर, यहां से एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा आपको, यहां से वी वन की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर वन, वी टू ओमेगा आर टू, वी थ्री ओमेगा आर थ्री, रख रहा हूं मैं यहां पे, तो एम वी वन की जगह ओमेगा आर वन का 90 तो वन है एल टू आर वन, प्लस एम वी टू की जगह पर ओमेगा आर टू एल टू आर टू साइन 90 तो कर वन है ही, और थर्ड में भी ऐसे ही एम थ्री वी थ्री की जगह पे ओमेगा आर थ्री एल टू आर थ्री एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल से सकती है जोड़ेंगे अपन। एंड इस सारे एक्सप्रेशन के अंदर एक चीज जो है वो कॉमन है, जो नजर आ रही होगी आपको, जो कॉमन है वो आप निकाल दें यहां से, क्या कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, निकाल दें पी हो जाएगा एम, ध्यान देना आर वन इंटू आर वन, आर वन स्क्वायर आर टू इंटू आर टू, आर टू स्क्वायर एम वन आर वन स्क्वायर, सब ये एम वन था, ये एम टू था, ये एम थ्री था, एम टू आर टू स्क्वायर, थर्ड में आ गए एम थ्री आर थ्री इंटू आर थ्री, आर थ्री स्क्वायर, तो प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर सो ऑन, सारे पार्टिकल्स के लिए सब में ओमेगा कॉमन है, ओमेगा निकाल दिया बाहर, और ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इससे आपकी काफी अच्छी जान पहचान हो चुकी है अब तक। फिर फॉर्मेलिटी है, चलिए जल्दी जल्दी लिख दूं मैं, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर सो ऑन, इसको लिख सकते हैं अपन समेशन एम आर स्क्वायर सारे पार्टिकल के लिए, और इसे अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, सही आपको याद आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तक तो काफी अच्छी जान पहचानी है, तो जबानी हमें को सब चीजें याद है, लिख दें यहां से, तो पूरा ये ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आगे आई ओमेगा। अब जरा ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम तो मोमेंटम के मोमेंट से आया है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो, तो डायरेक्शन होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का सारा दारोमदार किस पे है, ओमेगा पे,
ओमेगा पे वेक्टर साइन डाल दिया मैंने, मतलब अब जो थोड़ी देर पहले बताया मैंने वो आपको शायद और बेटर क्लियर हो रहा होगा कि बॉडी अगर क्लॉक वाइज घूमेगी तो ओमेगा हो गया एक्सिस के अंदर और एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस के अंदर, बॉडी एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी अगर तो ओमेगा हो गया एक्सिस के बाहर, एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस के बाहर। तो ये एक्सप्रेशन है बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम का, जब बॉडी रोटेशन में होगी। अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो एम आर क्रॉस वी, इसे दिस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन में है अगर तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस के अबाउट ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही होगी तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। जल्दी से आप वीडियो पॉज करें, नोट करें, एक सेगमेंट और भी है, उसके बाद हम चलेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस की बात करेंगे, जल्दी से इसे आप नोट कर लें। अब आइए अपन नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन में, इसके पहले क्या पढ़ा हमने, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में। अब आइए थर्ड केस जहां पे एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन भी है, बॉडी आगे बढ़ भी रही है और रोटेट भी कर रही है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए दो डायग्राम बना के रखे यहां पर। अब जरा ध्यान देना, इस पॉइंट के अबाउट ही आपको एंगुलर मोमेंटम, तो इस पॉइंट का ये रहा पोजिशन वेक्टर आर, वैसे यहां पे भी फिक्स पॉइंट हो गया अबाउट चाहिए, तो ये रहा इस पॉइंट का सेंटर से जोड़ता हुआ ये पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना कि मैंने सेंटर से कनेक्ट करा हमने यहां पर, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए आपको पॉइंट ओ के अबाउट, तो अगर गौर करें ध्यान दें, ये लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, फिक्स पॉइंट के अबाउट भी है और बॉडी रोटेट भी करिए, तो जो दोनों पढ़े आपने वो दोनों लगा दीजिए इसमें, कोई कमाल की चीज तो है नहीं। इस वाले में मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा, अभी जो पढ़ा हमने बस वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ, ये आर वेक्टर और ये पी वेक्टर मोमेंटम वाले, इधर वेक्टर इधर मोमेंटम, ये ध्यान से देखना जरा, ये आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर और ये मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी करेंगे अगर थंब का आएगा अंदर की तरफ, आर क्रॉस पी इज इक्वल मोमेंटम है, पी इज इक्वल टू एमवी, और एक एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से भी ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट करी, मान लो ये सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ मास, कहां लिखूं मैं ये लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करी बॉडी, तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना पड़ा अभी हमने आई ओमेगा, तो अभी है कैसा ये बॉडी कैसे रोटेट कर रही है क्लॉक वाइज, तो एंगुलर मोमेंटम कहां होगा अंदर की तरफ, तो मैं एक काम करता हूं क्लॉक वाइज के लिए क्रॉस का साइन और एंटी क्लॉक वाइज के लिए डॉट, ये स्टैंडर्ड साइंस होते हैं, एंगुलर वेरिएबल की डायरेक्शन वगैरह की तो चर्चा में फिर से बता रहा हूं आपको इस वीडियो में कि मैंने सर्कुलर मोशन में ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जहां पे हाउ टू डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा आपको, उसमें इस किस्म की कंफ्यूजन से आप तो वहां रेफर कर सकते हैं। जरा ध्यान दें, आर क्रॉस पी कैसा था, आर वेक्टर ये आर वेक्टर और ये मोमेंटम का पी, तो आर क्रॉस पी अंदर की तरफ, तो ये इसके साथ लिख देता हूं मैं क्लॉक वाइज, प्लस ये बॉडी कैसे रोटेट कर रही क्लॉक वाइज, रोटेशन कैसा है इसका क्लॉक वाइज, तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आई ओमेगा, आई सी एम ओमेगा, ये भी एंगुलर मोमेंटम कैसा है क्लॉक वाइज, तो क्रॉस का साइन, मतलब दोनों की जो वैल्यू आएगी उसे सीधा सीधा अपन ऐड कर देंगे, दोनों क्लॉक वाइज ही है, दोनों एक्सिस के अंदर ही है, तो दोनों को यहां से ऐड कर दिया। ऐसी पॉसिबिलिटी भी नजर आ सकती है, थोड़ा सा लेकिन यह भी नजर आता है। जरा ध्यान दें, इस वाले केस में अगर आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से देखना, क्रॉस का साइन रखा है मैंने क्लॉक वाइज अंदर एक्सिस के अंदर की तरफ और एंटी क्लॉक वाइज एक्सिस के बाहर की तरफ। जरा ध्यान दें, इस वाले केस में पहले इस फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं अपन मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, आर वेक्टर ये रहा और पी वेक्टर ये रहा, ध्यान से देखें ये पोजिशन वेक्टर ये आर और ये पी, तो आर क्रॉस पी करेंगे थंब कहां है वापस से, ये आर वेक्टर राइट हैंड थंब रूल वेक्टर वाला, आर क्रॉस पी थंब है अंदर की तरफ, मतलब आर क्रॉस पी से जो मोमेंटम मिल रहा है आपको
इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने क्रॉस का साइन डाल दिया। प्लस अब ये जो बॉडी है ये रोटेट कर रही है अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितने एंगल थोड़ी से ओमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी, मतलब इसका डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कहां होता है, बाहर, एक्सिस के बाहर की तरफ। तो प्लस आईसीएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा। ये कैसा क्लॉकवाइज, तो डॉट का साइन, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, अगर आईसीएम ओमेगा ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आईसीएम ओमेगा की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ होगा, घटा देंगे इसमें से इसे। अगर आर क्रॉस पी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है आईसीएम ओमेगा से, तो नेट मोमेंट, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस वाले से, तो नेट मोमेंटम होगा अंदर की तरफ, इसमें से इसका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये है एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इसकी चर्चा और डिटेल में करेंगे अपन जब मैं रोलिंग मोशन आपको पढ़ा रहूंगा, जो अभी ऑन द वे है, बस आने वाला है कुछ क्लासेस में। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में फिक्स पॉइंट गिवआउट निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, हम प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, और अगर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही हो, मतलब आगे भी जा रही है शिफ्ट, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन दोनों हो रहा है, तो उस केस में भी अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो जो चीजें अभी आपको मैंने सिखाई हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं सर्टेन इलस्ट्रेशंस में। जल्दी से वीडियो पॉज करके चीजें नोट कर लें। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं ताकि आपके सीखे हुए कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ये रहा आपका पहला इलस्ट्रेशन, एक प्रोजेक्टाइल है, इसमें ड्रॉ कर दिया डायग्राम सारा, ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मास है मैं प्रोजेक्टाइल का, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे स्पीडियस ने फेंक दिया, कह रहे टी टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम चाहिए प्रोजेक्टाइल का अबाउट ओरिजिन ओ, इस वाले पॉइंट के बाद। टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल था, वो कहीं भी मान लो, कहीं भी हो सकता है, मान लो यहां कहीं पे, यहां पे होगा अगर प्रोजेक्टाइल, तो ये रहा प्रोजेक्टाइल का पोजिशन वेक्टर, आर वेक्टर। इस टाइम तक मान लो, टी टाइम तक ये डिस्टेंस का उधर ही प्रोजेक्टाइल है एक्स, और ये जो हाइट है ये है वाई, और इस पॉइंट पे रहेगी वेलोसिटी इसकी वी। तो टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चर्चा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिटेल में करी है। तो आई होप आपको चीजें याद होंगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं खर्च करते हुए, चलिए अगले मोमेंटम निकाल रहा हूं अबाउट ओरिजिन ओ आफ्टर टाइम टी। तो एम आर क्रॉस एम वी है ना, आर क्रॉस पी, पी इज इक्वल टू एम वी लिख दिया मैंने, तो यहां से m तो खैर निकाल दिया बाहर, तो आ गया m स्केलर है ना यार, निकाल सकते हैं ना, r क्रॉस v, r r क्या लिख सकते हैं अपन, x i प्लस y j। पोजिशन वेक्टर कैसे निकालते हैं हमें मालूम है बहुत अच्छे से, यहां से x कोऑर्डिनेट x i क्या प्लस y j क्या, और वेलोसिटी अगले स्टेप में लिख देता हूं वेलोसिटी। अब टी टाइम के बाद चाहिए, तो टी टाइम के बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितनी होगी, यू कॉस थीटा टी आई क्या, टी टाइम के बाद वाई कोऑर्डिनेट कितनी होगी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों में आपको परेशानी नहीं होगी, ये सब चीजें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिटेल से डिस्कस करा हुआ है, ये चीजें आपको मालूम होंगी। अभी भी परेशानी आती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो रेफर करें या बुक्स रेफर कर सकते हैं। वी को लिख सकते हैं अपन यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे क्या, आई होप आपको नजर आ रहा हो यहां तक। अब क्या आप तो बस सिंपल ग्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, जिसमें कोई कमाल की चीज तो बची नहीं अभी, तो बस मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप भी आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रहा पोजीशन वेक्टर, यू कॉस थीटा टी आई, वाई की जगह यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वेलोसिटी यू कॉस थीटा आई, वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होती हॉरिजॉन्टल वाली,
आर प्लस वर्टिकल यू साइन थीटा माइनस, ये देखिए ये छोड़ दिया, जे लिख दिया मैंने आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चलते तो पॉजिटिव आती है वैल्यू, आई क्रॉस जे मतलब ये आ गया यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी और आई क्रॉस जे करेंगे तो ये वैल्यू आ गई के क्या। अब आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जे क्रॉस आई क्या मिलेगा माइनस के, तो एक काम करता हूं माइनस में लिख देता हूं पहले यहां पे जे क्रॉस आई मतलब यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इंटू यू कॉस थीटा, ध्यान देना जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दी हमने ये और ये, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, तो ये माइनस साइन बाहर लिख दिया मैंने और ये के लिख देता हूं, और जे क्रॉस जे करोगे तो वैल्यू जीरो ही आनी है। अब ये आप बस कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कोई कमाल की चीज बाकी तो है नहीं इसमें, कैलकुलेट कर लीजिए प्लीज। के कैप निकाल देता हूं बाहर, ये आ गया यू कॉस थीटा साइन थीटा मतलब ये आ गया यू स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा टी, यू कॉस थीटा टी माइनस जी टी मतलब ये आ गया माइनस यू कॉस थीटा जी टी स्क्वेयर, यू कॉस थीटा इंटू जी टी इंटू जी टी स्क्वेयर सही है, माइनस ये आ गया यू साइन थीटा टी इंटू यू कॉस थीटा, आ गया यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा टी और माइनस है तो माइनस यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा टी, यू इंटू यू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा टी करेक्ट है, और माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर इंटू यू मतलब आ गया प्लस यू कॉस थीटा जी टी स्क्वेयर बाई टू, बाद में के क्या कॉमन है लिख दिया मैंने। अब कार्डपेट करना है कर लो, ये कैंसल ये कैंसल मतलब ये वैल्यू आ गई फाइनली माइनस यू कॉस थीटा जी टी स्क्वेयर प्लस यू कॉस थीटा हाफ जी टी स्क्वेयर, ये और ये टर्म जोड़ दीजिए तो आ जाएगा माइनस, अब एक साथ देख रहा हूं हाफ एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वेयर के क्या, ये नहीं एंगुलर मोमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल की ओरिजिन के अबाउट कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। अब इसलिए जनरलाइज्ड फॉर्म में दो सेकंड के बाद, तीन सेकंड के बाद, चार सेकंड के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं पे कुछ भी पूछे बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। जल्दी से जल्दी पास करें, हम आगे सेशन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला इलस्ट्रेशन, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता बिल्कुल वैसे ही है, वही मास एम का प्रोजेक्टाइल यू स्पीड से एक एक्सिस के साथ थीटा एंगल से फेंका हमने, सवाल थोड़ा सा चेंज किया जस्ट हमने, कह रहे कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ओरिजिन के अबाउट हाईएस्ट पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, हाईएस्ट पॉइंट पे कोई वर्टिकल वेलोसिटी तो होगी नहीं, यू कॉस थीटा आई क्या, पोजिशन वेक्टर निकालिए इससे बेटर है इस बार कि लाइन ऑफ एक्शन मोमेंटम का इस पॉइंट पे ये रहा ना, ये तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही आपकी, और ये जो है प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट के बराबर, एमवी टू आर था जिधर था ना मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था ना, तो लीनियर मोमेंटम तो ये इस डायरेक्शन है अभी, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा और इसके बाद ये तो ये थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो होगी जो आप देख रहे होंगे ये डिस्टेंस वो मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम चाहें तो आप लिख सकते हैं लिख दो क्या है एम यू कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं बताता हूं मैं, तो कितनी आप ये बोलिए एम यू कॉस थीटा ये एम वी है और मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी,
यहां से एंगुलर मोमेंटम आ गई, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आर क्रॉस पी से निकालोगे अगर, तो आर ये रहेगा आपका, और क्रॉस पी तो हम कहां है, अंदर की तरफ, आई क्रॉस जे, जेड एक्सिस बाहर की तरफ, ध्यान देना जेड एक्सिस कहां, कोई बोलेगा सर जेड एक्सिस अंदर भी ले सकता हूं मैं, अंदर कैसे लेंगे आप, ये एक्स ये वाई है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के आई क्रॉस जे के मतलब जेड एक्सिस बाहर की तरफ, आर वेक्टर लेते आप अगर यहां से, ध्यान से देखना जरा मैं जो बता रहा हूं, आर वेक्टर अगर आप लेते तो ये होता आर वेक्टर, ये होता मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी कहां आता है, अंदर की तरफ, इसलिए डायरेक्शन माइनस के क्या, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, या तो जो लॉन्ग टेक्निक है जो लंबे तरीके से बनाया हुआ आप उससे भी बना सकते हैं, एल वेक्टर होता आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर मतलब ये पोजिशन वेक्टर, ये टेक्निक शॉर्टर है, ये बेटर है, यहां पे फिजिबल है, यहां पे ये भी बना सकते हैं आप, रिजल्ट भी वही आएगा, आर को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं एम इंटू वी, एम को निकाल देता हूं बाहर, हाईएस्ट पॉइंट पर होगी प्रोजेक्टाइल, तो ये होगा रेंज का आधा आर बाय टू, एक्स कोऑर्डिनेट रेंज का आधा और वाई कोऑर्डिनेट नासम आयत के बराबर, तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये रेंज है इसका आधा आई क्या, और y कोऑर्डिनेट की जगह मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g j क्या, वेलोसिटी m निकाल दिया मैंने बाहर, तो वेलोसिटी तो बस ही u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वेलोसिटी की, u cos थीटा i क्या, फिर वही कहानी है मेरे भाई, देख लो आप i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस i माइनस k, तो माइनस साइन माइनस के लास्ट में ले लूंगा मैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, जे क्रॉस आई तो आ गया यू स्क्वेयर साइन टू थीटा को लिख दिया हमने, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय ये टू जी है, टू जी माफी चाहता हूं, ये तो इधर लिख दिया ना, इधर देख लो गलत लिख दिया मैं, ये है ना यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इंटू यू कॉस थीटा, और जे क्रॉस आई, ध्यान दे जे क्रॉस आई माइनस के, माइनस के, आप देखिए जो रिजल्ट यहां पे है वही रिजल्ट यहां पे है ना, एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो आर क्रॉस पी से भी लेकर आ गए, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट उससे भी लेकर आ गए, तो जो फिजिबल टेक्निक नजर आए आप उसका इस्तेमाल करिए, यहां पे मुझे नजर आ गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये है मोमेंटम की डायरेक्शन है ना, ये है लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थी, ये है मैक्सिमम हाइट के बराबर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेके आ गया मैं, लेकिन अगर ये चीज डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करती तो आप इस टेक्निक से भी निकाल सकते हो, जैसे जैसे इक्वेशन प्रैक्टिस करेंगे आप वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी, वीडियो पॉज करें अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन, ये आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक पार्टिकल है मास, कितनी मास है 2 केजी, जो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन है y = x + 4, स्पीड उसी कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड, सवाल पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का क्या होगा अबाउट ओरिजिन, अगर चीजें समझ में आ गई तो पहला अटेम्प्ट आप खुद करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें, जो कि ये रहा, जिस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही पार्टिकल वो है y = x + 4, मतलब x 0 तो y कोऑर्डिनेट 4, y 0 तो x को y 0 कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट माइनस 4, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, एक कोऑर्डिनेट रहा 0 माइनस 4, मतलब ये x कोऑर्डिनेट माइनस 4 y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4, मतलब यहां x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4, ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4, इस वाली स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल ट्रैवल कर रही है, ये है लिनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसी लाइन पर ट्रैवल कर रही है,
कह रहे हैं मोमेंटम, वो कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालें अबाउट ओरिजिन। तो ध्यान दो, ये है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ना अपन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया? मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो लिनियर मोमेंटम के जो डायरेक्शन ये है रही लाइन ऑफ एक्शन। और मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं अपन फिक्स पॉइंट से या फिक्स एक्सिस से। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? मान लो ये कुछ है, कुछ नाम दे दो, एच नाम दे देता हूं मैं। चलो क्या ये निकाल सकते हैं अपन? मैथ्स का नॉलेज थोड़ा बहुत है स्ट्रेट लाइन का तो निकाल सकेंगे आप। हाँ याद करिए, कभी पढ़ा होगा हमने कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और एक पॉइंट है अल्फा बीटा जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर मान लो ये लेंथ है इसकी h, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी? a अल्फा x कोऑर्डिनेट की जगह पे अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी मॉड। मॉड इसलिए कि लेंथ तो पॉजिटिव होगी, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशियंट का स्क्वायर। मैथ्स में जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जब आप ये सब चीजें रोटेशन तक पहुंच चुके हैं, तो जाहिर है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में काफी चीजें पढ़ ली होंगी आपने, शायद खत्म भी हो चुका होगा आपका। तो आपने देखा होगा कि किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपन किसी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन ये रही a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो, तो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है इतनी। तो यहां पे परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करें? ओरिजिन से। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है? 0, 0। तो h अगर निकालना चाहे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस पहले इस फॉर्मेट पे लिख दो, इसे y एक तरफ ले आऊं मैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है ना ऐसा फॉर्मेट, तो मैं इसको y एक ही तरफ कर देता हूं, x माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब आप तुलना कर सकते हैं, x के कोफिशियंट a यहां पे 1, y के कोफिशियंट b यहां पे -1, c की जगह यहां पे 4। तो x का कोऑर्डिनेट 0, ओरिजिन से ले रहे हैं अपन a अल्फा, तो x की जगह अपन अल्फा रखते हैं, तो यहां पे अल्फा x कोऑर्डिनेट 0 है, बीटा तो यहां पे ये भी 0 ही है, तो -0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x के कोफिशियंट का स्क्वायर और y के कोफिशियंट का स्क्वायर। मतलब कितनी आती वैल्यू है? 4/√2। एकदम छोटी सी बात है, मैथ्स के नजरिए से कोई कमाल की चीज है ही नहीं। अगर आप फॉर्मूले से वाकिफ ना हो तो फिलहाल अभी इसे आप नोट करके याद रखें, इसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको लेना चाहिए, तो न्यूमरेटर में जो जिस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है उसकी कोऑर्डिनेट्स रख दें, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, मॉड ले लें क्योंकि लेंथ होती है पॉजिटिव, और डिवाइड करेंगे आप x की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। यहां मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए x की जगह रखा मैंने 0, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0 है, y की जगह भी 0 और डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर, y की कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 4/√2। एंगुलर मोमेंटम हो गया mv इनटू परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर लेते हैं ना, पर आर परपेंडिकुलर मतलब वही मोमेंट के लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स पॉइंट। तो m मास कितना है पार्टिकल का? 2 kg। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 4 m/s। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? 4/√2। कार्पेट करना जो कर लो, तो ये आ गया 4/16 √2 बच जाएगा, तो आ गया 16√2। और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? ये क्या है? मोमेंटम kg m/s इंटू मीटर, तो m²/s है ना, kg m/s वेलोसिटी और डिस्टेंस भी, तो मीटर ही है, तो m/s × m, तो m²/s। ये आगे अगले मोमेंटम की वैल्यू। और तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल था, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बने रही वीडियो मेरे साथ, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशन का एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। मान लो एक डिस्क है जो रोटेट करी अगले वेलोसिटी ओमेगा से
और ट्रांसलेट करिए वी वेलोसिटी से, और ओमेगा कुछ ऐसी दी है उन्होंने जिसकी वैल्यू है वी बाई आर के बराबर। डेस्क की मास है एम, रेडियस है आर। सवाल पूछ रहे, फिर सवाल सुन लो क्या बोला मैं, डेस्क रोटेट करिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ट्रांसलेट करिए वी वेलोसिटी से, ओमेगा ऐसा दिया हमने कि इसकी वैल्यू जो है वी बाई आर के बराबर है, ऐसा दिया रोटेट करने वाले ने। डेस्क की मास है एम, रेडियस है आर, पूछ रहे एंगुलर मोमेंटम डेस्क का पॉइंट ओ के अबाउट, निकाल दीजिए। जरा ये देखें, ये रहा ओ के अबाउट, चाहिए तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से देखें, पहले ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है या पढ़ा था ना हमने एम आर क्रॉस वी प्लस आई ओमेगा, दो कंपोनेंट्स, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसको ओ के अबाउट अगर निकालना चाहोगे तो आर वेक्टर ये रहा, ये आर वेक्टर और ये है वी, आर क्रॉस वी कहां है, अंदर की तरफ है ना, तो और डायरेक्शन आर का डायरेक्शन देखोगे अगर तो इसके साथ कितने का एंगल बन रहा है, 90 का इस मोमेंटम के साथ, तो एम वी आर साइन 90 कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्रॉस का साइन देते हैं अपन, और ये रोटेट कर रही है कौन से एक्सिस के अबाउट, जाहिर है अगर कोई बॉडी फ्रीली रोटेट कर रही है तो कौन से पॉइंट, अब ये भी एक पॉइंट आ गया आपके सामने, कोई सी भी बॉडी फ्रीली रोटेट करेगी अगर तो कौन से पॉइंट के अबाउट करती है, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब कि अब एक और एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सेंटर ऑफ मास ही इसके बाद रोटेट कर रही है ना, तो प्लस आईसीएम ओमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये भी अंदर की तरफ क्रॉस, मतलब दोनों में ऐड कर देना है सिंपली साइन 91, तो यहां पर वैल्यू एम वी आर प्लस आईसीएम है क्या, ये डेस्क है ये, तो डेस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के बाद क्या होता है एम आर स्क्वेयर बाई टू, और ओमेगा, ओमेगा दिया हमने ऐसा कि ओमेगा जो है वो है वी बाई आर के बराबर, ये मैंने ही सवाल में उन्होंने खुद ही दिया कि ओमेगा की वैल्यू इतनी है भैया, तो कारपेट कर लो आर आर कट गया यहां से, तो एम वी आर प्लस एम वी आर बाई टू आ गया 3/2 एम वी आर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम के सारे केसेस देखे हमने जो पॉसिबल हैं, और कुछ सर्टेन इलस्ट्रेशंस भी आपको बताए मैंने जहां पे आपको सिखाया मैंने कि एंगुलर मोमेंटम कैसे इवेल्यूएट करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो आने वाला है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, तो बने रही मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।